सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज वाइल का बेसिक प्रोग्राम करेंगे। पिछली वीडियो में फॉर का बेसिक प्रोग्राम किया था, उसका क्विक रिवीजन भी करवाया था, तो आप पिछली वीडियो को रेफर करके आए हैं कृपया करके। तो आप वाइल का बेसिक प्रोग्राम जो हमने फॉर में किया था, एक टेबल प्रिंट किया था, वही चीज़ हम वाइल में करने वाले हैं। एक बार हम देखते हैं कि हम दोनों प्रोग्राम सेम प्रोग्राम दोनों लूप्स के साथ कैसे बना सकते हैं। फॉर से बनाया था, टेबल प्रिंट हुई थी, अच्छा लग रहा था, वाइल से बनाएंगे। ठीक है, तो वाइल से अभी हम स्टार्टिंग में 5 ले लेते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो हमको। तो नम मैंने 5 ले लिया। अब यहाँ पे आपको एक वेरिएबल और इनिशिएट करना होगा शायद। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। वाइल ए इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, शायद मैंने दोबारा सिंबल उल्टा लगा दिया। यस, एंड ए हम यहाँ पे इनिशिएट कर लेते हैं ए को 1 से, क्योंकि पहले ही मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे ना। अब यहाँ पे हमको मल्टी दोबारा से बना लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था फॉर के लिए। मल्टी ए की मल्टीप्लाई करेंगे हम नम से, ए इंटू नम। उसके बाद सेम प्रिंट स्टेटमेंट, नम कॉमा, लेकिन देखो मैंने आपको, चलो मैं पहले ये बताता हूँ, कैपिटल एक्स कॉमा आई सॉरी ए कॉमा इज इक्वल्स टू कॉमा मल्टी। ठीक है, तो इतने से आपका प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन हर बार नेक्स्ट लाइन प्रिंट नहीं होगी क्योंकि हम अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला था कि वाइल में आपका अपडेशन ज़रूरी है, या तो वो डिक्रीज हो रहा हो या तो वो इंक्रीज हो रहा हो। तो ए इज इक्वल्स टू ए, इसको बाद में ही अपडेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रिंट स्टेटमेंट में ए गलत प्रिंट हो जाएगा। ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। अब मैंने आपको शॉर्ट हैंड सिखाए थे, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए प्लस इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब यही होगा। ठीक है ना, ये शॉर्ट हैंड है, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो फटाफट लिखना है, आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं, सेव कर लेते हैं वाइल। ठीक है, देखो प्रिंट हो गया सेम, सॉरी एक गलती हो गई है, यहाँ पे 11 करना पड़ेगा जिससे कि 10 तक प्रिंट हो जाए। ठीक है ना, अब यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए प्रोग्राम क्या किया था पिछली वीडियो में, यहाँ पे सीधा इनपुट लिया था यूजर से, एंटर नंबर टू प्रिंट टेबल, बस सिंपल, इतने में आपका ये प्रोग्राम तैयार हो गया। ठीक है, बस बहुत आसान है कोडिंग पाइथन, बहुत आसान है कोडिंग इन पाइथन, इज वेरी इजी। बस थोड़ा सा टाइम मांगता है, आप थोड़ा सा टाइम दो, कोडिंग होगी। अब नेक्स्ट चीज जो मैं उसमें बताता हूँ, अगर आपको उल्टी टेबल प्रिंट करनी है जैसे 5 × 10 = 50, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका सिंबल उल्टा कर दो पहले, तो सॉरी, और इसको 11 से इनिशिएट कर दो और यहाँ पे -1 कर लो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, प्रिंट होती है कि नहीं। नहीं प्रिंट हुई क्योंकि लग रहा था मेरे को, सॉरी। यहाँ पे सिंबल तो वही रहेगा लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5, देखो एक गलती और करी मैंने, यहाँ पे 11 नहीं 10 होगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 8 की टेबल प्रिंट हमने करी एंड ये अपोजिट टेबल प्रिंट हो गई। अब ये कैसे प्रिंट हुई, ये कैसे दिमाग चला, अब मैंने सोचा कि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो सीधा सीधा लूप चल रहा है, और हम 10 से करके 1 को ए माइनस कर देते हैं, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, मतलब -1 करते चले, अभी तक हम +1 कर रहे थे तो इंक्रीमेंट हो रहा था, -1 कर रहे थे। अगर यही चीज आपको फॉर में करनी हो तो फॉर में कैसे करोगे, देखो फॉर आई इन रेंज अपोजिट चलाना है आपको, 10 नहीं 11 11 कॉमा 1 कॉमा -1, ये स्टेप साइज होता है ना जो मैंने बताया था। अब 10 - 1 9, क्या कर रहा हूँ, 9 10 ऐसे करके 10 9 8 7 ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है,
सेम प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए होगी आपको। अब यहाँ पे मल्टी इसको कॉपी कर लेते हैं सीधे यहाँ पे पेस्ट, एक ही जगह आई एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट यही रहेगी आपकी, एक ही जगह पे आई। अब उसके बाद देखो, देखते हैं रन करके पता चल जाएगा, इसको कमेंट कर दूं जिससे कि ये प्रिंट एग्जीक्यूट ना हो टाइम हमारा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, सॉरी 5-2 तक ही प्रिंट हुआ ये, ऐसा क्यों? ओके ठीक समझ गए। अब एक वैल्यू इसमें वो होती है ना 1, मैंने गलती कर दी 10, ये बेसिक पॉइंट्स है जो आप लोग भी याद रखना, यहाँ पे 0 ले लिया जाएगा, जल्दबाजी में कभी बार ध्यान नहीं रहता है ये सब। तो अब ये प्रिंट हो गया, दोनों चीज सेम प्रोग्राम विद वाइल एंड सेम विद फॉर। ऐसा ही पिछला प्रोग्राम था जिसमें आप सीक्वेंस से प्रिंट कर रहे थे, ऐसे ही ये प्रोग्राम है जिसमें आप अपोजिट प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। कुछ कुछ समझ आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और बेसिक प्रोग्राम लेकर आएंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए एंड जो गलतियां मैं कर रहा हूँ ना ये आप लोग सीख लो, ये जल्दबाजी में हो जाती है कभी कभार, तो आप सीखिए इसको, प्रोग्रामिंग करिए जितनी ज़्यादा हो सकती है एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो तो आती रहेंगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।